यूपी टीवी न्यूज पर फर्रुखाबाद से खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर है। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। फर्रुखाबाद जिला प्रशासन पर दबाव बनाने को बरेली हाईवे के घरों के बाहर लगाए गए मकान बिकाऊ के पोस्टर। फर्रुखाबाद में अमृत महायोजना के तहत बरेली हाईवे की चौड़ाई 60 मीटर तय की गई है। इस कारण हाईवे के किनारे बने अधिकांश भवनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसी के विरोध में कई दिनों से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। किसी अधिकारी ने मदद का भरोसा नहीं दिया तो दबाव बनाने को घरों के बाहर मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगा दिए गए हैं। सेंट्रल जेल चौराहे से पांचाल घाट तक बरेली हाईवे पर दोनों तरफ आबादी बस गई है। नेकपुर चौरासी, मसेनी चौराहा सहित कई स्थानों पर तो भवन बनाते समय लोगों ने मानकों का ध्यान ही नहीं रखा। अब सड़क की चौड़ाई 60 मीटर रहने पर अधिकांश भवन अतिक्रमण की जद में आ जाएंगे, कुछ का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर जबरदस्त विरोध इन दिनों फर्रुखाबाद में हो रहा है। मदद न मिलती देखकर लोगों ने अब अमृत महायोजना के विरोध में पलायन करने की बात लिखकर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। आपको बता दें, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पूर्व जिला मंत्री कॉमरेड मदनलाल वर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि फर्रुखाबाद महायोजना मास्टर प्लान में कादरी गेट चौराहे से पांचाल घाट तक प्रस्तावित मार्ग ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई 45 मीटर रखी गई है, जिससे विनाश हो जाएगा, अधिकांश मकान टूट जाएंगे। उनका सुझाव है कि 45 के बजाय 25 मीटर सड़क की चौड़ाई को रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज़।